दोस्तों, जब गूगल एडसेंस हर महीने की 21 तारीख को हमारी पेमेंट रिलीज कर देता है, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आता, या फिर पैसा कहाँ जाता है, या फिर कितने दिन लगते हैं, या फिर जो भी है आपको कुछ बैंक जाके कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है इसके लिए, या फिर हमारी अगर पेमेंट आती है हमारे बैंक अकाउंट में तो सर्विस चार्ज कितना लगता है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। क्योंकि जो 2020 जनवरी का महीना था उसकी पेमेंट मुझे ये फरवरी के लास्ट में आ चुकी है। तो जैसा कि आपको गूगल एडसेंस पेमेंट वहाँ से रिलीज करेगा 21 तारीख को, तो आपको मेल भी मिल जाएगा कि हमने यहाँ से पेमेंट आपको 21 तारीख को रिलीज कर दिया है, और जो 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, वर्किंग डे या फिर बिजनेस डे, इसके बाद अगर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती है तब जाके आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपकी भी पेमेंट इस महीने नहीं आई है, तो मैं बता देता हूँ कि आप 1-2 दिन का आप वेट करिए, शायद आपकी पेमेंट भी आपके अकाउंट में प्लस हो जाए। क्योंकि अभी अभी इसी महीने फरवरी के महीने में बैंक की 3 दिन छुट्टी थी, महाशिवरात्रि थी 21 तारीख को, 22 तारीख को था जो महीने का चौथा शनिवार था ना, उस दिन भी बंद रहता है, और फिर 21, 22 और 23 तारीख को संडे था, और 24 को मंडे, और आज है ट्यूसडे मंगलवार, आज है 25 तारीख। तो मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, मैं 5 दिन वेट कर लेता हूँ, 21 तारीख को मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में रिलीज़ तो कर दिया था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं, 5 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सोचा कि 3 दिन छुट्टी पड़ गई, इस वजह से शायद थोड़ा सा 28 तारीख तक शायद आ जाएगा, 28 तारीख तक नहीं आएगी पेमेंट। अगर 28 तारीख को तक मेरी पेमेंट अगर मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आती है, तो इसके बाद मैं अपने बैंक जाऊंगा, वहां से वहां पर संपर्क करूंगा कि मेरी जो पेमेंट है वो कहां पर होल्ड रखी है। क्योंकि मैंने जो अपनी दूसरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड लगाया था, मैंने ऐसा सोचा था कि शायद वो लोगों ने होल्ड करके रखा होगा, तब मैं वहां पर जाऊंगा, फिर वो लोग रिलीज करेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसे कि आज 25 तारीख है मंडे को, तो दोपहर के बाद मुझे मोबाइल में SMS आया कि आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है। तो देख लीजिए, मेरे ये YouTube की फर्स्ट पेमेंट कुछ इस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी अभी निकाल के लाया, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कितनी आई है। तो जनवरी के महीने में जो मेरी पेमेंट बनी थी वो $118 के आसपास बनी थी, समथिंग $118, आप 71 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, ये होते हैं 8,400 रुपये कुछ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 8,400 में SBI ने कितना चार्ज काटा है। तो जो 50 रुपये का चार्ज है वो है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कमीशन, उसका 50 रुपये चार्ज लिया है, और जो दूसरा चार्ज है वो है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज, वो है 45 रुपये का। मतलब 50 और 45 95 होते हैं, मतलब 100 रुपये के आसपास इन लोगों ने मेरा जो पेमेंट है उसमें से काट लिया है। तो मुझे टोटल कितना मिला, 8,300 रुपये के आसपास। खैर कोई बात नहीं, जो फर्स्ट पेमेंट है वो 8,300 ही, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे खून पसीने की और मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है। कम ज़्यादा तो होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन इस वीडियो से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पैसा बता रहा है, तो ये बताने की वाली बात नहीं है, जस्ट एक आपको एक मैसेज है इस प्रकार से कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो लोग बिलीव किस में करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा शायद आपको मोटिवेट हो सकते हो आप, कि जो गवर्नमेंट सर्विस है या फिर जो लोग फिजिकली वर्क करते हैं और जो उनके हाथ पे उनको पैसा मिलता है, केवल वो लोग उसी में बिलीव करते हैं, ये इंटरनेट फिंटरनेट या फिर ये ऑनलाइन डिजिटल इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं खुद से, क्योंकि मैं एक गांव देहात में रहने वाला हूं, तो अब मैं खुद से उन लोगों को बता सकता हूं कि ऐसा भी होता है, ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे भी 8,300 रुपये आ चुकी है पिछले महीने की। तो बस, तो दोस्तों, YouTube की मेरी पहली पेमेंट थी, तो बस मैं इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कि मेरी पेमेंट क्यों नहीं आई, या फिर आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसका आपको कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई 100%
देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।